Assalamualaikum viewers, आज जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उसमें है एक बहुत ज़बरदस्ती रेमेडी, होममेड प्राइमर। तो क्योंकि प्राइमर जो है वो ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो, 350 और 400 से उनके स्टार्ट होते हैं। तो उनके लिए मैं आज होममेड प्राइमर बनाऊंगी। ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, आप इसको घर में बना सकती हैं इजीली और ये बहुत इनएक्सपेंसिव रहेगा आप लोगों के लिए। ये तमाम चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होंगी आपके पास और आप इसको आराम से घर में बना सकते हैं और रूटीन में मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ भी कर सकते हैं इसको। तो मैं उसमें जो चीज़ें शामिल करूँगी उसमें तीन चीज़ें होंगी, मैं तीन चीज़ों पे बनाऊँगी प्राइमर और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी एलोवेरा जेल, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन पे किसी किस्म के इससे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। मैंने ये एलोवेरा जेल लिया है और आपको जो एलोवेरा जेल सूट करता हो आप वो वाला ले सकती हैं। और इसके अंदर सेकंड जो है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है और अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो ये चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। और प्राइमर जो है हमारी स्किन के लिए काफ़ी सूटेबल रहता है क्योंकि वो हमारी पोर्स को ब्लर कर देता है, जिससे जो भी हम लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाता और हमारी स्किन को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। और ये जो होममेड मैं बना रही हूँ इसमें तमाम नेचुरल चीज़ें हैं तो इससे आपकी स्किन को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। आप इसको डेली बेसिस पे आराम से यूज़ कर सकती हैं, इसको यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग सब यूज़ कर सकती हैं और आप इसको घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ लूँगी रिवाज का सनब्लॉक सनस्क्रीन, जो डेली बेसिस पे आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको घर में भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी, आप लोग इसको बिल्कुल इजीली घर में बना सकते हैं। इसके लिए हमें एक प्याली चाहिए, अच्छा आपको इस तरह का एक कंटेनर भी चाहिए होगा जिसके अंदर आप इसको सेव कर सकें और आप इसको 2 to 3 months बिल्कुल ईजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 2-3 महीने आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल यूज़फुल रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल भी। अच्छा ठीक है, अब ये हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल के 2 स्पून ले लूँगी। ये 2 स्पून मैंने एलोवेरा जेल ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं क्योंकि ये इसमें काफ़ी इसमें लग भी गया है, तो इसको ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इसमें 1/2 स्पून हम इसमें ग्लिसरीन शामिल करेंगे। इसको पहले सहा से ले लेते हैं। अच्छा, इसको अब 1/2 स्पून हम इसके अंदर ग्लिसरीन शामिल करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। चलिए अब इसको हम रख देते हैं। अच्छा, ये तीसरा ऑप्शन जो है सनब्लॉक का, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको नहीं लें और चाहें तो लें, लेकिन ले लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सनस्क्रीन जो है गर्मियों में हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो घर से निकलते हो घर में भी ज़रूरी होती है। अच्छा, 1/2 स्पून ये देख लें, ये 1/2 स्पून मैंने सनस्क्रीन ले ली है। अब ये बिल्कुल इजीली आप घर में इसको बनाकर रख लें एक कंटेनर में, इसको सेव कर लें और 2-3 months आप इसको बिल्कुल इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। और इसको फिर आप मिक्स कर लें इस तरह से, आप इसकी आप चाहें तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ताकि आप ये आराम से 3 महीने इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, ये जो है ये सनस्क्रीन जो है ये क्रीम फॉर्म में थी तो ये इस तरह का क्रीम फॉर्म में आ गया। आप अगर जो भी आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं अगर वो जेल फॉर्म में होगी
तो कि ये दोनों चीज़ें जेल फॉर्म में हैं तो वो जेल फॉर्म में ही हो जाएगी, ये क्रीम में था तो इसीलिए ये क्रीम फॉर्म में हो गई। और अब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने कोई भी फाउंडेशन अपने फेस पर लगा लेना है और आराम से अपना मेकअप कर लेना है। अच्छा, ये इस तरह से अब मैं आपको इसको कंटेनर में करके दिखा देती हूँ, आप इसको इस तरह सेव करके इसके अंदर रख सकते हैं। ये तो ये क्रीम फॉर्म में आ गया है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। ये कंटेनर थोड़ा बड़ा है और ये इसकी क्वांटिटी कम है, आप ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं ताकि आपके लिए आराम से वो 2-3 महीने तक आपके लिए बिल्कुल वो यूज़फुल रहेगी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इससे आपकी स्किन पे कोई नुकसान नहीं होगा। ये आपके लिए होममेड प्राइमर है, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं और ये स्किन पे आपके किसी किस्म का नुकसान दे नहीं होगा, क्योंकि एलोवेरा जेल हो गया, ग्लिसरीन हो गई, ये सब चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये देख लें, अच्छा बिल्कुल ये क्रीम फॉर्म में आ गया है। अच्छा, मैं इसको आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इसको हमने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, दैट्स इट। ये देखें, बस इतनी ही लेनी है आपने और अपने पूरे फेस पर इसको टैप टैप करके बिल्कुल सर्कुलेशन में इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। और जब आपकी स्किन में ये अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए, जब आपने अपना फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करना है, ये देखें, ये इतना ही सा काफ़ी है। आपने जब भी लेना है, कोई भी प्राइमर लें आप या कोई भी क्रीम लेते हैं, तो आपने जब भी यूज़ करना है उसको एक मटर के दाने के बराबर ही यूज़ करना है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी की हमारे स्किन पे, हमारे फेस पे ज़रूरत नहीं होती, वो वेस्ट होता है। और आपने जब भी कोई क्रीम लेनी है वो अपनी उंगलियों की पोर्स पर लेनी है और फिर उसको इस तरह से करके फिर अपने फेस पे टैप टैप करके और अप्लाई करना है। जब भी कोई क्रीम लें आप, आपको इसी तरह से करना है, क्योंकि फिर हम अगर यहाँ लेते हैं तो वो आधी से ज़्यादा हमारे हाथ में रह जाती है तो वो वेस्ट होती है। देखिए, अब ये मेरी स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है और मेरी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है इससे। अब इस पर आप कोई भी अपना फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना फाउंडेशन अप्लाई करें और कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करें, फिर आप जो भी आपने डेली बेसिस पे आप जो भी मेकअप यूज़ करती हैं आप इसको बिल्कुल आराम से डेली बेसिस पे यूज़ कर सकती हैं। इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसको स्टोर करके रख सकती हैं, आप इसको यूज़ कर सकती हैं। आप बिल्कुल ज़रूर ये घर में ट्राई करें, इसको आप इसको बनाएं, घर में यूज़ करें, रखें और इससे फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको इससे फ़ायदा हुआ, आपको ये चीज़ पसंद आई। और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आऊँगी एक नई रेमेडी के साथ इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।